राज्य अभाव अभियोग आयोग के अध्यक्ष पुखराज पराशर माउंट आबू के मुख्य बाजार का दौरा किया गया। उन्होंने माउंट आबू के अग्रवाल पंचायत भवन में जहां जर्जर भवन को देखा, माउंट आबू के स्थानीय लोगों के जर्जर भवनों को देखकर भावुक हो उठे। उन्हें लोगों ने बताया कि 40 सालों से आबू की जनता निर्माण कार्य को लेकर परेशान है, अब माउंट आबू के लोगों को इजाजत मिलने की उम्मीद जगी हुई है। उन्होंने काफी संख्या में जर्जर भवनों को देखा और कहा कि अब माउंट आबू के लोगों को मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होने के बाद में नगर पालिका और साथ ही दोनों की सहमति से जनता को राहत मिल पाएगी। बताइए कि किस प्रकार से अब समस्याओं का निराकरण होगा। राज्य के अभाव अभियोग निराकरण समिति के आयोग के अध्यक्ष जो है माउंट आबू आए और उन्होंने बैठक ली है अधिकारियों की। पुखराज जी परवल साहब जो अध्यक्ष है वो कल भी मीटिंग हुई थी हिलक में और कल मिनिस्टर कॉलेज में वहाँ हमारे कार्यकर्ता बुलाए थे और आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग से हमें पूरा अच्छा लग रहा है कि माउंट आबू जो भी समस्या है, पट्टे निर्माण वगैरह जो भी है, रोड वगैरह जो भी माउंट आबू समस्या है, उस समस्या का समाधान होगा। जिस प्रकार से राज्य मंत्री स्तर के दर्जे का सीधा संवाद के बाद में माउंट आबू के जो है बाजारों के अंदर वे घूमे, बाजारों की समस्या यानी जर्जर भवनों को देखा, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, राज्य मंत्री खुद मुख्य बाजार में गए, हमने देखा। जैसे कि माउंट आबू के अग्रवाल समाज का जो पंचायत भवन है जो कभी भी गिर सकता है उसको उन्होंने खुद मौका मुआयना किया। बाजार की जो अन्य घर है उनका भी उन्होंने खुद मौका मुआयना किया। उस समय वो खुद आश्चर्यचकित थे कि जो घर है कभी भी गिर सकते हैं और इनमें बिल्कुल जरूरत है कि इसे तोड़ कर नया बनाया जाए। और जब मंत्री ने खुद ये देखा है, वो पूर्व में सलाहकार भी रहे हैं, तो निश्चित ही जो आने वाली मीटिंग है उसमें वो सीएम के सामने बातें रखेंगे। और क्योंकि सीएम आबू डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, हमें पूरा निश्चय है कि इस बार संपूर्ण हमारा माउंट आबू का कोई ना कोई निराकरण जरूर होगा।